आपको सिंपलीफाई करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। तो क्वेश्चन ये उठता है, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। तो क्या हम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 को क्या हम 2π/3 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2π/3। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। का साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स। और आपको पता है कि इसका जो रेंज होता है ये π/2 से -π/2, या यूं कहें -π/2 से π/2 है, ठीक है। तो डिग्री के टर्म में अगर ये देखा जाए तो ये तो 90 डिग्री है, π/2 रेडियन है, और डिग्री के टर्म में ये क्या है, 90 डिग्री है। और आपका जो 2π/3 है, 2π/3, ये आपका π/3 60 डिग्री होता है, और 2 टाइम 60 डिग्री मतलब ये 120 डिग्री है। तो जो 120 डिग्री है 90 से तो ऊपर ही आएगा, तो ये कहीं आपका समवेयर आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, इधर कहीं होगा। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि 120 डिग्री, या यूं कहें कि 2π/3 रेडियन, ये साइन इनवर्स के रेंज के बाहर है। इसका मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 2π/3 नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जब भी आप साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3, ठीक है, आप 2π/3 नहीं लिख सकते हो, दैट इज नॉट अलाउड। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि 2π/3 तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये जो साइन है ये साइन पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इस ग्राफ में देखें, साइन एक्स का ग्राफ है, दैट इज ग्राफ ऑफ द साइन एक्स, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये आपका क्या हो गया, 180, या यूं कहें पाई रेडियन हो गया। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका π/2 होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 और 180 के बीच में कहीं आपका 120 डिग्री आएगा, ठीक है। तो समवेयर आपका, हमने यहाँ पे जूम कर लिया कि यहाँ आपका 120 डिग्री या 2π/3 रेडियन होगा। और ये 2π/3 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये 2π/3 एक्चुअली सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो यहाँ पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है 2π/3। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेंज होता है साइन इनवर्स का, वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है, या फिर वो एंगल क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव टाइम्स। हम ये कहेंगे कि ये 0 से π/2 का हो गया, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर 0 से -π/2, ठीक है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो रेंज आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो यहीं से आएगी, लेकिन ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो साइन 2π/3 की वैल्यू होगी, अगर इसे हम वाई एक्सिस पे देखें कि ये कितनी होगी, तो वाई एक्सिस पे कहीं ये वैल्यू आएगी, अब ये जो भी हो, लेकिन हमें यहाँ पे एक एंगल और मिल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को यहाँ पे कट कर रही है। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग कोई एक एंगल अल्फा होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, है ना, 0 से, क्या है ये, 0 से π/2 में लाई कर रहा है, ये अल्फा कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, जिसके लिए जो साइन 2π/3 है और साइन अल्फा ये दोनों ही आइडेंटिकल है, ठीक है। इन दोनों के लिए हाइट क्या है, सेम है, या फंक्शन की वैल्यू हम कहेंगे वो फंक्शन की वैल्यू सेम है, जो भी फंक्शन की वैल्यू हो, ठीक है। तो अब ये अल्फा हम जानने की कोशिश करते हैं कि अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम देखें कि जो साइन होता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिकवर करने की कोशिश करें इसी एंगल को, तो ये आपका कुछ अल्फा होगा। लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये अल्फा एंगल है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा। और ये अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, और ये 2π/3, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, मतलब इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 2π/3 दैट इज इक्वल्स टू पाई, 180 कहें या पाई रेडियन कहें, तो अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, पाई माइनस 2π/3,
ठीक है, तो ये कितना आने वाला है आपका, दैट कम्स आउट टू बी पाई बाई थ्री। इसका मतलब कि जो अल्फ़ा हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे या खोजने की कोशिश कर रहे थे वो पाई बाई थ्री होगा, और पाई बाई थ्री आपका 60 डिग्री 90 से कुछ नीचे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कहीं यहाँ पे होगा, दैट इज़ योर पाई बाई थ्री। तो ये एक एंगल ऐसा है जो इस रेंज के अंदर लाई करता है, और रेंज के अंदर अगर लाई करता है इसका मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन को प्रॉपरली डील कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसका वर्किंग क्या होगा बोर्ड के लिए या कॉपी पे वर्किंग क्या होगा। साइन इनवर्स साइन 2π/3, हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, एंड दैट इज रिटेन एज ए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ साइन पाई बाई थ्री आ गया, ठीक है। अब चूंकि पाई बाई थ्री इसके रेंज में लाई करता है, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो गया, पाई बाई थ्री हो गया, तो दैट इज योर फाइनल आंसर।